आप हर मोक्ष एक्सरसाइज को हैंडल करते हैं, क्या कहेंगे आज? बस वही ना, मतलब हम लोग अब जो बिल्डिंग्स चेक कर रहे हैं ताकि हमें फिर अगर खुदा नखास्ता वो हो तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, और दूसरा हम लोग टू नो इज़ टू विन, जो समझ गया वो मतलब वो जीत गया, मतलब हमें सिर्फ अभी इस बिल्डिंग का पता चल गया है, तो इसी तरह हमें और ये रिकॉग्निशंस एक्सरसाइज होते हैं, इसमें कोई लोग अक्सर कहते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका फ़ायदा और कुछ भी नहीं है, हमारा पसीना निकल आता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है और वी नो हाउ टू डू इट। ये बताएं कि मॉक एक्सरसाइज हुई है, इसमें क्या क्या बताया गया जवानों को, क्या क्या चेकिंग हुई है, वो ज़रा तफसील हमें बता दें एक्सरसाइज के बारे में। जैसे सबसे पहले तो चेक किया जाता है इनकी ट्रेनिंग जो उसके लिए इन्होंने ली हुई है दुश्मन के ख़िलाफ़, उसको चेक किया जाता है कि दुश्मन के किस हद तक मुकाबले के लिए हम तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि दुश्मन वही सोचता है जो अभी तक हमने नहीं सोचा होता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सोच रहे हैं वो दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है, और हमने वो सोचा है दुश्मन के लिए कि इंशाल्लाह हम दुश्मन को नस्तो नाबूद करेंगे, पाक सरजमीन से उसका नामो निशान मिटा देंगे।